नए साल में अगर आप पर्यटन के दृष्टि से सैर करने का मन बना रहे हैं तो बेगूसराय के नौलखा मंदिर भी आपके लिए खास हो सकता है। वर्ष 1953 में महावीर दास नामक संत के द्वारा उस समय लगभग 9 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया था और इस मंदिर की यहीं से कहानी शुरुआत होती है, जिसके कारण इसका नाम नौलखा मंदिर रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर के मुख्य द्वार की शुरुआत होती है और यहाँ पर आने के लिए बेगूसराय जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पड़ता है। इसके लिए आपको ई रिक्शा भी मिल सकते हैं और भी कई वाहन हैं जो यहाँ मुख्य रूप से आ सकते हैं। इसके सामने एक पोखर भी है जो उस समय महावीर दास जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और नौलखा मंदिर की यूं कहे खूबसूरती बढ़ाने में यह काम करता है। छठ यहाँ पर खासतौर से छठ भी मनाया जाता है और नौलखा मंदिर आने वाले पर्यटक यहाँ पर बैठते हैं और फोटोग्राफी भी यहाँ पर करते दिखते हैं। हमारे साथ मंदिर कमेटी के सदस्य चंद्रमणि कुमार जी हैं। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं क्या क्या देखने के लिए आते हैं? यहाँ पर नौलखा मंदिर में ये जो सबसे पुराना चीज नौलखा ये मंदिर है। हाँ। ये मंदिर ये है कि जैसे कि अंग्रेजों के समय में जब वो अंग्रेज यहाँ रहते थे इसका बनाने की इसका 9 लाख रुपया पड़ा था, जिसका नाम इसका नौलखा पड़ा। लोग यहाँ आते हैं, मंदिर है, राम भगवान सीता जी का लक्ष्मण जी का अंदर में मूर्ति है, देखते हैं, पार्किंग है बैठने के। बेगूसराय में हम लोग बिहार में बेगूसराय जिसमें ये नौलखा मंदिर एक बैठने की जगह जहाँ घूमने फिरने के लिए लोकल भी आदमी आते हैं, बाकी विदेश से भी लोग पर्यटक जितना भी आते हैं यहाँ आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। असरगंज से क्या देखने यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को नौलखा मंदिर का भगवान राम मंदिर है, कृष्ण जी है, राधा जी है, बगीचा है, ये सब देखने के लिए आए हैं। बहुत अति से प्रसन्न से यहाँ देखने जाते हैं। नौलखा सबसे ज़्यादा तो इसमें नामी है। हाँ। नया साल का दिसंबर महीने में, नया साल में वही दिसंबर 1980 के दशक में न्यास बोर्ड के द्वारा इस मंदिर को अधिग्रहण किया गया। उसके बाद रखरखाव व विकास की बात जो है इस ट्रस्ट के द्वारा किया गया। कुल मिलाकर मंदिर परिसर में साफ सफाई तो दिखती है और पर्यटक भी अच्छे खासे आते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ विकास है पर्यटन के दृष्टिकोण से करने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों का कहना कि स्वच्छता पर भी ध्यान देनी चाहिए। बेगूसराय से नीरज कुमार, न्यूज 18 लोकल।